गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 8:30 और आज हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे। और आज अभी अंश को आ गए थे चक्कर और अंश गिर गया था, आइस पूरी ऊपर चढ़ गई थी और पैर बेंड हो गए थे। आज सबकी तबीयत खराब है तो आज मैंने खुद बनाई है अपने लिए मैगी, तो मैं मैगी खा रही हूँ बस। मेरे को ज़्यादा वाटर सूप ही मैगी पसंद है, इससे सूप वाली मैगी बनाई है मैंने। सबकी तबीयत तो बहुत खराब है बट अम्मा ने खाने में मेहमान सबके लिए बना दिया है दाल। और ये किसकी सब्जी है अम्मा? गोभी आलू, बंद गोभी आलू की सब्जी, मटर टमाटर मिक्स वेज है क्योंकि इसमें सारे मिक्स वेज है, बहुत सारी सब्जियां हैं और रोटी है और दाल है और अचार भी है। अचार भी ले लूंगी थोड़ा सा, मैं अपना खाऊंगी फिर। और इसको भी खाना दे दिया है, आज सारे काम मैं, आम का दे दो और मैं आज सारे काम मैं ही कर रही हूँ। इसकी किट्टू आ गई हो, किट्टू। तो गाइस अभी मेरा आया है पार्सल, तो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा निकला। तो मैंने नाइट सूट, वो ट्रैक सूट मंगाया, देखो कैसा निकलता है। तो ये भी मैंने ऑर्डर किया था मैशो से, देखते हैं कैसा आया है। तो ये जिससे यहाँ पे कुछ दिया है मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। गिव अस 5-star रेटिंग इफ यू लाइक प्रोडक्ट एंड सर्टिफाइज विद आवर, योर रेटिंग इंपॉर्टेंट टू अस ऑल आउट विद मोटिवेट। मतलब अगर हमें ये पसंद आए तो हम उनको 5% रेटिंग दें क्योंकि उनकी सर्विस सेटिस्फाई हो, ठीक है। तो अभी इसको खोल के देखते हैं कैसा निकलता है। तो लेट मी चेक, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले हम निकाल देते हैं। ठीक, तो अभी इसमें देखते हैं कैसा आएगा। आई होप अच्छा ही आया हो। तो ये थोड़ा मतलब इसका कपड़ा बहुत ठीक भी लग रहा है। अब इसकी क्या कर रहे हो, जाओ आपके लिए नहीं आया है। देखो ये देन मैंने लगी आई है, देन ये है ऊपर का। जब मैं इसे फुल वेयर करूंगी तब आपको दिखाऊंगी, वैसे ही दिखा दूंगी। अभी अंश को नाप रहे हैं फीवर और भयंकर कितना है बाबा? 103। आज अंश की शक्ल देखो गाइस, देखने वाली है। और इधर मम्मी को भी फीवर हो गया है, मम्मी का चेक करते कितना आ रहा है। इनको भी 99, इनका भी 100 आ गया। सो गाइस आज सबको फीवर हो रहा है, मम्मी आज पापा सबको बस मुझे छोड़ के। और आज हम लोगों ने ये भी बाय करी है पल्स नापने की, तो भी पल्स भी सबकी चेक करी थी। आज अंश की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए। गाइस शाम को मुझे भूख लग रही थी तो अभी मैं चाय के साथ खा रही हूँ बिस्किट, अपना फेवरेट वही गुड्डे वाला। सो गाइस अभी देखते हैं, ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या बनाया है क्योंकि बहुत जोर की भूख लग रही है। तो देखते हैं आज क्या बनाया है दादी ने। तो आज के रात के खाने में है आलू टमाटर की सब्जी जो कि मस्त मेरी दादी ने बनाई है, और आम का अचार और रोटी। तो अभी मैं अपने ऊपर वाले अंदर वाले रूम में बैठ के खा रही हूँ दादी वाले और बिस्की को भी। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज के व्लॉग को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी खाते हैं बिस्किट चाय से, मैं चाय बना के लेके आई हूँ और उसके साथ खाऊंगी बिस्किट। भूख लग रही क्या। तो गाइज आज का व्लॉग वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो कल था। तो अभी मैं अपने हेयर वॉश कराई हूँ और सबको खाना खिलाऊंगी, इसलिए बांध लिया अभी, बाद में खोलूंगी। और अभी कंगी भी नहीं करे तो कल व्लॉग क्यों नहीं आया था वो अभी मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर बाद। पहले चलते हैं खाना लेने, खाना देते हैं सबको क्योंकि सबको फीवर हो रहा है बहुत गंदा वाला, किसी की तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी हम लोगों को पहले उनको कुछ ले देते हैं खाने को। तो गाइस सबको खाने दे आई हूँ, मम्मी पापा सब, अंश ने सबने एक एक आधी आधी रोटी खा लिया। तो अभी यहाँ पे मैं खाने जा रही हूँ आलू टमाटर मटर की सब्जी एंड दाल है मूंग की, और ये रेड वाली चटनी है जो कि हमने होम मेड बनाई है। तो ये देखो होम मेड वाली चटनी है, ये वाली मुझे बहुत टेस्टी लगती है तो भी खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। तो अभी खाएंगे, उसके बाद जाऊंगी ट्यूशन क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। और अभी मैंने बाल भी वॉश किया है और ना कंघी किया है ना इसको मैंने सुखाया है। और अभी जल्दी से खाती हूँ खाना, ऊपर ही खाऊंगी नीचे नहीं जा रही मैं, क्योंकि अब मैं बताती हूँ कि कल का व्लॉग क्यों नहीं आया था। अंश मम्मी पापा को फीवर और भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जुकाम खांसी वगैरह, तो उस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मतलब घर में व्लॉग बना रही हूँ तो सब बीमार पड़े थे तो मैंने बनाया भी नहीं, शूट भी नहीं किया। एंड सेकेंड ऑफ थिंग कि मतलब सब कुछ मैं ही कर रही थी,
दवाई वगैरह सारा सामान वगैरह लाना वाना और दादी खाना बना के दे रही है, मैं देने जा रही हूँ। तो इस वजह से ना कल का व्लॉग शूट भी नहीं हो पाया था, ज़्यादा व्लॉग भी नहीं था, एक मिनट का था ज़्यादा से ज़्यादा, तो इस वजह से आज का व्लॉग नहीं आया। तो और मैंने आज देखो आपको कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है, उसमें आप देखोगे कि मैंने वो मतलब चेकअप वेकअप सारे हो रखे हैं, क्योंकि थर्मामीटर से फीवर वगैरह, क्योंकि फीवर सबको हो रहा है बहुत ज़्यादा, तबीयत भी बहुत ख़राब है सबकी, मम्मी पापा अंश तीनों की। तो इस वजह से कल का ब्लॉग नहीं आया, तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैंने पोस्ट डाल दी थी इसलिए आपको पता चल गया होगा, जिसको पोस्ट से पता नहीं चला था उन्हें अभी बता दिया मैंने। तो अभी मैं भी खाना खा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जोर की भूख हो रही है, और उसके बाद जाऊँगी ट्यूशन, क्योंकि मेरे 31st से एग्ज़ाम है। बट आज देखो मैं जहाँ तक नहीं जाऊँगी, घर ही बैठ के पढ़ूँगी, क्योंकि नहीं जा रही हूँ अभी मैं ट्यूशन, क्योंकि किसी की तबीयत ठीक नहीं है। बट अभी मैं देखती हूँ क्या सीन बनता है, जहाँ तक नहीं जाऊँगी बस खाना खा के फिर चलते हैं नीचे, उससे पहले मैं खाना खा लेती हूँ। हेल कर, कुर्सी पे कौन बैठता है, जल्दी दे फ्लाइंग किस दे, कैसे कैसे, अच्छा मैं कौन हूँ, मेरा नाम बता दे, कौन नहीं सिम्मी, कौन नहीं नहीं सिम्मी, सिम्मी बोलो, सिम्मी अंश को आवाज लगाइयो, जोर से लगा, जोर से। सो गाइज, मैंने मंगाया था एक पार्सल जो कि मैंने मैशो से ही मंगाया था, तो वो अभी आ गया है। तो अभी मैंने इसमें मंगाया है टॉप, क्योंकि आ गया तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कैसे। हाँ आ गया, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा आया है। जैसे मैंने होप किया था आई थिंक वैसे ही आया हो, कल भी मेरा एक ऑर्डर आया था, आज भी तो आप लोग। सो गाइज, मैंने इसमें मंगाया था ग्रे कलर, ग्रे कलर का टॉप मंगाया था, कुछ इस टाइप से, देखो ये वाला टॉप है। ये मैंने इस ऐप से मैं शॉपिंग कर रही हूँ, तो मैंने वैसे मुझे किसी ने बोला था, पापा मम्मी दोनों ने बोला था चेक करके दे, तो काफ़ी अच्छा है, आप भी इस ऐप से मंगा सकते हैं। मैं मैशो ऐप से मंगा रही हूँ, एंड देन काफ़ी अच्छी रेटिंग वगैरह सब कुछ, आपको कम रुपीज में प्रोडक्ट वहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो आप खरीद सकते हो वहाँ से। और अगर आप फर्स्ट ऑर्डर करोगे तो आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा, अपने फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 100% ऑफ फ्री मिलेगा, मतलब डिस्काउंट मिलेगा और 30% ऑफ मिलेगा। तो अभी मैंने ये टॉप मंगाया, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें मंगाई हैं वहाँ से और मुझे आई होप अच्छा ही आया। तो देखो मैंने ये क्रॉप टॉप मंगाया, एंड देन ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा वार्म है एंड देन काफ़ी अच्छा भी है। ये मैंने ये वाला टॉप मंगाया, एक ये गाइस। आज खाने में हमारा बना आलू, लहसुन डाल के और मटर भी डाला है, अम्मा बनाया थे, अम्मा अलग ही बनाती है, और यहाँ पे है रोटी मस्त, और इसमें पूरा दादी ने आलू मेथी लहसुन टमाटर मटर सब डाल रखा है, और प्याज भी बहुत, सब्जी मेरी दादी बहुत मस्त सब्जियां बनाती है, तो अभी ये खाऊंगी ये खाऊंगी, और साथ में चटनी भी पीसती है ये। सो गाइस, कल का व्लॉग नहीं आया था, तो आप भी मेरी फैमिली की तरह हो, तो ये बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो कल व्लॉग इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब कल मैं इतनी परेशान थी, इतनी टेंशन थी कि मम्मी पापा अंश सबको इतना फीवर हो गया था, और अंश तो इतनी जोर का फीवर इतना था, अंश को पूरा 103 फीवर था, तो आज वॉश बेसिन पे मतलब वॉमिट आ रही थी, तो वॉमिट कर रहा था तो इतनी जोर का गिर रहा था, तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा उसके सिर में भी चोट आई थी, उस वजह से कल मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई थी, और बाकी सारे टेस्ट वगैरह करा लिए, मतलब व्लॉग भी शूट नहीं हो पाया था क्योंकि कोई था नहीं, तो मन भी नहीं हुआ, एंड देन टाइम भी नहीं पाया था क्योंकि बहुत सब लोगों की बहुत ज़्यादा फीवर था हाई, अंश की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, और मतलब हम लोगों ने मतलब सबको एक साथ हो गया था, पहले मम्मी फिर अंश फिर पापा, तो हम लोगों ने टेस्ट भी करा दिए थे, तो मैं डर भी बहुत गई थी कि मतलब हम लोगों ने फिर मंगाया थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर मतलब हम लोगों ने सोचा कि सबका फीवर एक साथ आ रहा है, तो हम लोगों ने फिर न्यू थर्मोमीटर भी करा, और उसके बाद हम लोगों ने पल्सेस वगैरह चेक की, ऑक्सीजन चेक की, तो मतलब अंश की पल्स तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो इस वजह से मतलब ऑक्सीजन लेवल अंश की बहुत कम थी, तो हम लोगों ने फिर कोविड का टेस्ट कराया, कोरोना का टेस्ट कराया, तो थैंकफुली आज कोविड की रिपोर्ट आ गई थी, तो उसमें हम लोग नेगेटिव आए हैं, मतलब हम लोग क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मतलब मम्मी पापा और अंश का कोविड टेस्ट कराया था तो उनका नेगेटिव आया है, उनका मतलब ऐसा कोई वो कोविड वगैरह नहीं है, तो थैंकफुली अंश और मम्मी पापा सब लोग मतलब नेगेटिव आ गए, कोई पॉजिटिव नहीं आया। और फिर हम लोगों ने मतलब टैबलेट वगैरह सब वही चल रही है, अभी भी कोई बेटर नहीं है, सबको वैसे ही फीवर है, बट अभी मतलब कोई कोविड तो हम लोगों ने करा लिया, कोविड का कोई भी कोविड का सिम्टम थे बट हम लोगों ने टेस्ट कराया तो सब लोग नेगेटिव आए हैं, तो अभी इस वजह से अब मतलब जो भी था ना कोविड तो नहीं है बट अब उन्हें है वायरल फीवर, मतलब एक वायरल आ गया, वो इस वजह से पहले सबको हो गया, पहले मम्मी फिर अंश फिर पापा। सो गाइस थैंकफुली कोविड मतलब नेगेटिव आया, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मतलब ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था, बहुत ज़्यादा डर था और मैं बहुत परेशान भी थी कि क्या रिपोर्ट आएगी, क्या रिपोर्ट आएगी। मतलब परसों से हुआ था तो हम लोगों ने कल ही टेस्ट करा लिया था, देन आज रिपोर्ट आ गई, तो थैंकफुली आप लोगों की विशेज थी, आप लोगों का आशीर्वाद था, तो उस वजह से रिपोर्ट ना उन लोगों की नेगेटिव आई है, वो लोग ठीक है। मतलब वैसे तो फीवर वगैरह उतर नहीं रहा है, अंश का भी नहीं उतर रहा, तो मतलब फीवर वगैरह बिल्कुल नहीं उतर रहा है, बट थैंकफुली उनको कोविड नहीं है, वायरल फीवर है, वायरल मतलब कोई वायरल चल रहा है वो है, उनको कोविड नहीं है क्योंकि कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई एंड थैंकफुली उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, सब नेगेटिव आए हैं, तो आप लोगों की विशेष थी, तो थैंक यू सो मच गाइज। और बाकी अभी वो लोग ठीक है, मतलब फीवर वगैरह रह रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फीवर एंड देन बुखार मतलब खांसी जुकाम वगैरह नॉर्मल। तो अभी मुझे बस यही बताना था, इस वजह से कल का व्लॉग भी नहीं आया था, बाकी पर्सेस वगैरह सब चेक हो रही है, अंश की डेली और बाकी सबके भी, मम्मी पापा की भी, तो बाकी सब तो ठीक है, बस यही बात थी, तो इस वजह से कल व्लॉग नहीं आया था एंड देन कोविड पॉजिटिव कोई नहीं निकला, तो थैंकफुली थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों की विशेष थी। तो अभी इस वर्क को हम यहीं पे एंड करेंगे, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने तमाम दोस्तों में, और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, वो दबा देना। तो अभी भी मैं तो सबको खाना वाना मैंने खिला दिया है, एक दो रोटी जो भी जितना खाता है, अब वैसे तो खाना वगैरह कोई नॉर्मली खा नहीं रहा है, तो अभी 11 तो बज चुके हैं, आगे देखते हैं और भी कुछ काम होंगे तो वो कर देंगे, उसके बाद सोने चलते हैं अपने, आगे जो ज़रूरत होगी वो कर देंगे। तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।